माझं नाव मुग्धा दत्तात्रय मदने. मी आज गीतले सॉन्ग सादर करणार आहे. जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है. खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, कोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है. जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफ आए, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने है, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे है. जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था. प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है. जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है. रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है. लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चिपके सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए. कैसी मीठी बात दी वो, कैसी मुलाकात दी वो, जब मैं जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है. कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस है यहीं पर. उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना था. जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं. कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे, खाबों के दर जैसे आंखों में घुलने लगे. खाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगी थी, खाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी. खाब जो टूटे मेरे आंख जो खुली मेरी होश, जो आया मुझे मैंने देखा मैंने जाना, वो जो कभी आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था. जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा. ना तो कोई अरमा है, ना कोई तमन्ना है, ना कोई सपना है. अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं. मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं. मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं. मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं. ಜಂ
बिम तथा अदा जम तथा नम तथा रोम तथा दिम तकिर दिगदा अंगिर दिगदा तरिगिर दिगदा दिम ता तरिगिर दिगदा ता जम दिम दा तथा जम नम दा तथा जम तम तकिर दिगदा न तद तंगिर दिगदा तरिगिर दिगदा दिम ता तरिगिर दिगदा ता जम दिम दक तकिर दा जम jum da kita da ka jum da jum jum da kita da jum kita da kita da kita da da ni da ta da ni da ta da da na da ni da ta da ni da ta da kita da kita da ni da ta da na da ta jum da ni da da na da da ta kita da kita da kita da da kita da kita da jum dim da ta ta jum nam da kita da kita jum ta ta dim tum nam da da ta kita da kita da kita da da na da ta da na da ta da kita da kita da na da ta ಗಣ ತಥಾ ದಿಂ ತರಿ ತಥಾ ಗಣ ತಥಾ ದಿ ತಣ ತನ ತದ ತಂಗಿಡದಿ ತರಿಗಿಡದಿಗದ ದತ್ತ ತ ದಿಂ ತರಿಗಿಡದಿಗದ ತ ತ ದಿಂ ತರಿಗಿಡದಿಗದ ತ ದಿಂ ತರಿಗಿಡದಿಗದ चांगले केलं तसेच पहिले झाले होते तसे चांगले आहे पण आता समोरनं काहीतरी इनोव्हेटिव्ह कशी विचार हे करशील काही एलिमेंट्स घे प्रॉप्सचे कोणता एक स्टाईल वगैरे यूज कर हाय एलिव्हेशन जम्पिंग्स वगैरे काहीतरी ॲड कर ट्रॅडिशन फॉर्म केले तो आसामी पण केला होता ना आसामी डान्स केला होता नाही का हां ओडिसी हां ओडिसी डान्स और फिर जितना भी किया सब अच्छा किया विद एन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन चेंजेस थे हर बार कभी गुस्से के थे कभी नॉर्मल थे कभी प्लेन थे कभी स्माइल के थे आंखें इधर जा रही उधर जा रही सब बराबर सब कुछ लेकिन अभी इससे आगे ना कुछ अलग इम्प्रूवमेंट चाहिए कुछ एलिमेंट्स यूज करो कुछ प्रॉप्स यूज करो कोई स्टाइल डांसिंग स्टाइल उस तुम्हारे इसमें ऐड करो वो तुम्हारा फुटेज जो है बेस्ट है वो डांसिंग स्टाइल वो रखो उसमें कोई और एक डांसिंग स्टाइल ऐड करो मला तो डांस आवडला थँक यू खूप सुंदर असं होतं मेन म्हणजे या गाण्यामध्ये लिरिक्स नसून सो फक्त बीट्स आहेत आणि बीट्सचं तू खूप चांगलं असं कोरिओग्राफ करून तू परफॉर्म केलेला आहे डेफिनेटली शास्त्रीय तू नृत्य शिकत आहेस क्लासिकल ओडिसी शिकते आहेस हो अजून कुठल्या स्टाईल्स आहेत शिकण्यामध्ये की फक्त ओडिसीज आहेत नाही ओडिसी शिकते सुपर गुड किती वर्ष झाली ओडिसी शिकून सहा वर्ष सहा परीक्षा पण दिल्या मी सहा परीक्षा दिल्या इट्स गुड नाईस मला आवडलं तो खूप की तू असं फ्युजन एक तयार केलेलं आहेस तुझं रेसिपी पण खूप सुंदर आहे एक म्हणजे ह्याच्यामध्ये ना क्लासिकलचा पण बास दिसतो आणि एक आपण ट्रेडिशनलचा पण बास दिसतो ट्रेडिशनल म्हणजे आपण फोक्स आपण बघू शकतो की तोही बास दिसतो आणि त्याला साधून तू एक वेगळीच म्युझिक निवडलीस त्याच्यामध्ये शास्त्रीय संगीतसुद्धा आहे ना अशा असं फ्युजन बनून तू फ्युजन एक प्रकार आम्हाला दाखवलंस त्याबद्दल तुला खरंच तुझं खूप खूप कौतुक आणि ॲज अ तुझा परफॉर्मन्स बोलायचं काय तर आउटस्टँडिंग आहे तुला मुंबईला यायला काही हरकत नाही आहे थँक्यू तर असेच वेगवेगळे परफॉर्मन्स मला तुझ्याकडनं बघायला आवडेल पण एका वेगळ्या लेवलचे कारण आता आपली लेवल वाढत चाललेली आहे तर आपल्याला सुद्धा वेगळं काहीतरी द्यायचं आहे नो डाऊट तुझ्या तुला जे जमते तेच कर काहीतरी आउट ऑफ द बॉक्स तुझ्यामध्ये कर आउट ऑफ द बॉक्स पण तुझ्यामध्ये तू ओडिसी करतेस छान आहे पण ओडिसीमध्ये पण आपण खूप काही करू शकतो आणि करता येतं नाही येत असं काही नाही आहे येतं हे नक्की आणि तू करू शकतेस सो तुला मुंबईला यायला आणि मुंबईमध्ये काहीतरी वेगळं बघायला मला नक्की आवडेल थँक्यू ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू आणि सर्टिफिकेट तुझं घे